पहले दो बम इंडिया से लेके आया, 5 दिन उसको जगाते भी रहे, खड़ा भी रखते रहे। तो इसी इंटरोगेशन के दौरान फिर वो मेरी आंखें बांध के मुझे जीप में बिठा देते थे और आधे से पौना घंटा वो जीप चलती थी और दूसरी किस्म की अयाशियाँ भी मुझे अंदर उस कमरे में मुहैया की जाती थी, हर किस्म की अयाशी जिसमें लड़कियाँ और शराब वगैरह भी थी। खुफिया तौर पे मैं उसको लेके किसी न किसी जगह छुप जाता था, किसी एक थाने में, किसी ऑफिस में। संदूक के ऊपर काले रंग का जो बैग उसने बताया था वो भी था, लेकिन जब मैंने उसको खोला तो उसमें बम नहीं थे। हम वहाँ चले गए, सारी रात हम उस गांव में खेतों में छुपे रहे। वो लिखवाने लगा और मैं लिखता गया। ये तो तकरीबन रात 12 बजे बैठे और सुबह 5:30 बज गए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। ये पुरानी बात है जी, काफ़ी पुरानी। नॉर्थ कैंट थाने में था मैं, एज एएसआई काम किया करता था। उस वक्त एक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास कहीं से आई कि एक बंदा जो इंडिया जाता है वहाँ से बम ला के पाकिस्तान में ब्लास्ट करता है। वो सर्दियों के दिन थे, हम लोग, मैंने अपने साथ दो तीन कांस्टेबल लिए और हमें ये पता चला कि वो रात को 2:30 बजे इंडिया से पाकिस्तान आ रहा है। उस वक्त वायर लग चुकी थी, तार लगी हुई थी और इंडिया जाना या इंडिया से वापस आना ये वहाँ से नोट करवा के रेंजर्स वालों, इंडिया के जो रेंजर्स वाले हैं वहाँ पे नोट करवाना होता था। तो हमें उस गांव का पता था जिस गांव से उसका रास्ता है। हम वहाँ चले गए, सारी रात हम उस गांव में खेतों में छुपे रहे, लेकिन हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया। फिर पता चला कि वो लेट है, आज नहीं आ रहा, कल आ रहा है। अगले दिन फिर हम इंतज़ार करते रहे और वाकई दूर अंधेरे से हमें एक बंदा आता हुआ नज़र भी आया। हमने उसको पकड़ा, उससे बातचीत की तो वो मशकूक लगा। हमें समझ आ गई कि जिस बंदे को हम तलाश कर रहे हैं ये वही है। फिर उसके बाद उसको ले गए हम, मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सीनियर अफसरान को बताया। तो मुझे ये हुक्म मिला कि इसको आप खाना खिलाएं खूब और इसको कुछ नहीं कहना, सिर्फ जगा के रखना। तो उसको ही हमने इस तरह को 5 दिन उसको जगाते भी रहे, खड़ा भी रखते रहे। और तो इसी इंटरोगेशन के दौरान फिर वो 5वें दिन उसने माना और अपनी बात बतानी शुरू की। तो जब उसने स्टार्ट लिया, बात शुरू की, तो मुझे इस तरह लगा जैसे कि उसकी स्टोरी सुन के जिस तरह कोई आप कोई जासूसी नावल पढ़ रहे होते हैं या जिस तरह आप कोई ऐसी कहानी लिख रहे होते हैं। तो हम लोग वो लिखवाने लगा और मैं लिखता गया। ये कोई तकरीबन रात 12 बजे बैठे और सुबह 5:30 बज गए। और 5.5 घंटे का मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि कैसे गुजरे। और उसकी बातें मेरे लिए इतनी दिलचस्प थी कि वो बहरहाल फिर पता चला कि उसने पहले 2 बम इंडिया से लेके आया, किसी बंदे को दिए, फिर उसके बाद उसने खुद पंजाब में 4 बम ब्लास्ट किए हैं। फिर उसने तरीकाकार बताया कि जब मैं इंडिया जाता था तो पहले रेंजर्स वाले मुझे डील करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा तू बड़ा काम करो, मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक जीप में बिठा देते थे आंखें बंद के मुझे जीप में बिठा देते थे और आधे से पौना घंटा वो जीप चलती थी। एक बड़े से घर में मैं उतरता था कोठी के अंदर और वहाँ पे कमरे में मैं वहीं रहता था, खाना पीना और दूसरी किस्म की अयाशियाँ भी मुझे अंदर उस कमरे में मुहैया की जाती थी, हर किस्म की अयाशी जिसमें लड़कियाँ और शराब वगैरह भी थी। और वहाँ पे एक साहब आते थे जो वहाँ के आर्मी ऑफिसर थे, वो मुझे आके मेरे से डिस्कस करता था। शुरू में मुझसे कुछ चीज़ें उसने यहाँ से मंगवाई, कुछ चीज़ें वहाँ पे भिजवाईं, फिर वन बाई वन आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसने बम चलाने का तरीकाकार बताया और इस तरह आगे चलते चलते। तो वो उसने 4 बम ब्लास्ट किए थे पंजाब में। उसके साथ जो टाइम हमारा गुजरा और जितने दिन मैं फिर उसको लेके थाने में नहीं बैठा जा सकता था,
खुफिया तौर पे मैं उसको लेके किसी न किसी जगह छुप जाता था, किसी एक थाने में, किसी ऑफिस में, और उसका मुझे, उसे और मेरे सीनियर्स को पता होता था। एक दिन एक जगह रहना, दूसरे दिन मैसेज आना कि यहाँ से आप जगह चेंज करके फला जगह चले जाए। इस तरह करते करते उसके साथ फिर हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की और एंड पे उसने फिर बताया कि मेरे घर में 2 बम पड़े हुए हैं अभी भी। मैंने उससे पूछा किस तरह, उसने कहा जी यहाँ पे मेरा घर है, आप मेरे घर में जाएंगे, एक राइट पे कमरा है, एक लेफ्ट पे कमरा है, लेफ्ट पे कमरे में चले जाएं। उसके बाद कमरे में एक लोहे की पेटी है, पेटी के ऊपर एक संदूक है, उस संदूक के ऊपर एक बैग पड़ा जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, ट्रैवलर बैग। उस बैग में आपको कुछ टी शर्ट्स 2 मिलेंगी और इसके अलावा एक वो धागा होता है नड़ा जो जिससे पतंगे बना उड़ाते हैं, उसकी 4 गथियाँ मिलेंगी और उसी में लिफाफे में 2 बम और 4-8 डेटोनेटर। तो वो इसी तरह उसको हम ले के साथ गए, मैं आगे आ गया था। मैंने वो कमरा खोला, घर के अंदर गया, घर भी था, लेफ्ट साइड पे कमरा भी था, पेटी भी थी, ऊपर संदूक भी था। संदूक के ऊपर काले रंग का जो बैग उसने बताया था वो भी था, लेकिन जब मैंने उसको खोला तो उसमें बम नहीं थे। मज़ीद जब फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की, मज़ीद उसमें आगे गए तो पता चला कि उसकी माँ ने वो उठा के बाहर, वो उसने खोल के देखा, जब बेटा पकड़ा गया तो डर गई, उसने कहा पता नहीं उसमें क्या है, तो उसको वो कुछ मशकूक चीज़ मालूम हुई, उसने वो नहर में फेंक। फिर हमने वहीं नहर की दोनों साइड पे बांध लगवाए, छोटी सी नहर थी बिल्कुल, ट्रैक्टर से वो सारा पानी वगैरह निकलवाया, तो वो निकलवा के और उसमें से दोनों बम भी मिल गए और डेटोनेटर भी। सारा एक केस था, बड़ा दिलचस्प केस था जरूर। फिर उसको सजा हो गई थी, उसको गिरफ्तार करके जेल में पेश किया था।